कहते हैं कि प्रेम मनुष्य के जीवन की एक ऐसी भावना है जिसे अभिव्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि इसे अभिव्यक्त कर पाना कितना मुश्किल है। तो मेरे एक मित्र से मिलने में घर पे गया तो मैं उनसे मिलने गया। एक व्यक्ति को बहुत जोर जोर से मार रहे थे, वो हमारी क्लास का एक लड़का था जिसके बारे में हमने सब जानते थे कि वो जो है विशेषकर उस व्यक्ति से जो उसे मार रहा था उसके लिए बहुत प्रेम लगता था हृदय में। वो मतलब कुछ भी भाई साहब बोलो, हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब ले आऊंगा, हाँ भाई साहब कर लूंगा, हाँ भाई साहब कर लूंगा। तो वो मार रहा उसको बहुत जोर जोर से। मैंने जाकर पूछा, भाई क्या हो गया, इतना प्रेम क्यों बरसा रहे हो उस पर, क्या हो गया, तुमसे तो बहुत प्रेम करता है ये बंदा। अरे बोला यार पिटने लायक है। और उससे मैंने पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों मार रहा तेरे को। अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं भाई साहब से कुछ कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब समझ ही नहीं लाए इनको, मैं कब से मैं एक दिन तुम्हारे कोशिश कर रहा हूँ, भाई साहब समझते ही नहीं है। अरे मैंने कहा यार बात क्या हो क्या गया, तू परेशान क्यों हो रहा है। तो वो बोला, भाई साहब मैं कल ना एक किताब लेके आया था जिसपे थायली लिखी थी, थायली। अच्छा, तो मैंने कहा शायरी लिखी तो अच्छी बात है, तू परेशान क्यों हो रहा है। ये मुद्दा ये नहीं, शायरी थी कि क्या थी, पता क्या बात। भाई साहब उसमें मैंने एक थेल बना था, मैं भाई साहब को कहना था, भाई साहब ये मैं ऐसा आपके लिए महसूस करता हूँ, मुझे आपके दिल में, आपके लिए मेरे दिल में ऐसा ऐसा मुझे महसूस था। मैंने क्या कह क्या रहा था। अरे वो बोलता, तू यार रहने दे इसके बीच में मत पड़ ये साला। अरे मैंने कहा मैं बात सुनूं तो सही, बात है क्या, बात तो बता यार पूरी बात क्या है। तो कह रहा तू पूछ इसी से पूछ। तो वो बंदा कह रहा है उससे, उसको शेर सुना ना, बड़ा मैं भाई साहब के लिए बस इतना था, एक छोटा सा तेल लिख के लाया हूँ, बस मुँह सुना रहा हूँ इनको, मैं याद करके आया हूँ, मैंने सारी रात याद किया है, भाई साहब को सुनाऊंगा, भाई साहब मेरे को मारने भी ना मतलब में। अरे मैंने कहा ठीक है चल सुन, बता बात है क्या, क्या कह रहा है। बोलता है, दिल एक मंदिर है, आप मूलत है। उसने फिर उठा के एक दिया उसके कान पे, फट दे लो भाई साहब, पिल मार ले भाई साहब, पिल मार ले मेरे को, मैं ता दे लूं, मैं पिल तू मार ले मिलूं। अरे मैंने कहा रुक जाए एक मिनट। मैंने उसको, मेरे दोस्त को जो मेरे मित्र थे उनको मैंने समझाया कि यार आप ऐसा क्यों मार रहे हो उसको, क्या है दोस्ती में थोड़ी सी इनफॉर्मेलिटी चलती है, लेकिन प्रेम की बात जहाँ आती है तो प्रेम तो ये व्यक्ति कर रहा है उससे, क्या कह रहा है उससे, तो वो अपने अंदाज में कह रहा है, मगर वो कह रहा है दिलेत मंदिर है आप मूलत है। उसने फिर दिया कान पर खींच के उसके। अरे यार मैं कहा ठहर जाए यार, तू रुक जाए एक मिनट भाई, एक मिनट दादा रुक जा, मार मत पहले इसको, सुन समझ कहना क्या चाह रहा है। अरे यार बोला ये मूर्ख कह रहा है मेरे को इतनी देर से, क्या आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं। अरे मैंने कहा तू मूर्ख क्यों बोल रहा है इसको। अरे नहीं भाई साहब मैं मूलत नहीं दे रहा हूँ, मैं मूलत दे रहा हूँ। हाँ तो बोला देख फिर मूर्ख कह रहा, मान नहीं रहा, मैं चुप पिट रहा है। अरे भाई साहब मैं भाई साहब मूलत दे रहा हूँ, मूलत। उसने फिर दिया, भाई साहब मूलत दे रहा हूँ, भाई साहब मूलत दे रहा हूँ। अरे मैंने कहा रुक 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 रुक, इसका एक सोल्यूशन मेरे पास आया। मैंने उससे कहा यार तू एक काम कर, पेपर पेन ले गया, तू एक काम कर, तू भूल मत, जो कह रहा है वो लिख के बता। तो साहब कितनी खूबसूरत बात उस व्यक्ति ने लिखी, उसने लिखा कि दिल एक मंदिर है, आप मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। तो वो कहना चाहता था अपने भाई साहब को, भाई साहब आप मतलब क्या पर्सनालिटी, क्या खूबसूरत हो, पर वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था। तो इसमें प्रेम की क्या गलती। तो ये मेरा पहला प्रेम का अनुभव था जो मुझे पहली बार समझ में आया कि व्यक्ति के भावनाओं में कुछ नहीं इतना ज़्यादा रखा है, उसकी अभिव्यक्ति भी कर पाना बहुत आवश्यक है सही रूप से, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में समय नहीं लगता।